गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टडिंग क्लास सेवेंथ चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट नॉन कॉम्पिटिशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12। तो बेटा सभी क्वेश्चन पढ़ेंगे, रीड द क्वेश्चन, सभी पढ़ो बेटा क्वेश्चन नंबर 12, रीड द क्वेश्चन। क्या बोलता क्वेश्चन? शांता बोरोड रुपीज 6000 फ्रॉम द स्टेट ऑफ बैंक, उसने कितने पैसे उधार लिए, दैट इज 6000 कितने टाइम के लिए, टाइम इक्वल्स टू 3 years and 8 months, ठीक है। साथ में रेट कितना है, 12% पर एनम, ओके। हमको क्या बताना है, वो अपना कितना पैसा देगी बैंक को ताकि उसको क्या हो जाए, उसका कर्ज चुकता हो जाए, उसका कर्ज कंप्लीट हो जाए। तो हम सभी को बताएं, जो हम अमाउंट देते हैं डेट इज इक्वल्स टू लिया गया पैसा प्लस इंटरेस्ट, क्लियर है। हम निकालेंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। सभी ध्यान दो, टाइम किस में है, मंथ्स में है ना, चेंज करो इसको, कैसे करेंगे ध्यान दो, टाइम को चेंज करो, 3 plus 8 months, 8 by 12, 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 9 plus 2 by 3, वी गॉट 11 by 3 years। बताओ सभी यहाँ तक क्लियर है, ऑल स्टूडेंट्स बेटा यहाँ तक क्लियर है क्वेश्चन, क्वेश्चन की हिंदी समझाई मैंने, प्लस मैंने आपको ये समझाया कि टाइम को हमको करना पड़ेगा ईयर्स में, कैसे करेंगे, डिवाइड बाय 12। बताओ सभी यहाँ तक क्लियर है सभी को, हाँ जी बेटा क्लियर है। नाउ पुट द वैल्यूज, वैल्यू डाल दो, पी की वैल्यू कितनी है, 6000, वेरी गुड। रेट, रेट कितना है मेरा, 12, वेरी गुड। टाइम कितना है मेरा, 11 by 3, किससे डिवाइड करते हैं, 100 से, 20 से, 20 कट, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा, कितना बचेगा, 60, साथ में मल्टीप्लाई 4, साथ में मल्टीप्लाई 11, सभी बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे एंड टेल मी द आंसर। हाँ जी बेटा, ऑल स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई एंड टेल मी द आंसर, डू मल्टीप्लाई, वेरी गुड। हाँ जी बेटा, ऑल स्टूडेंट्स डू मल्टीप्लाई, 60 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 11, वेरी गुड, वेरी गुड लक्ष्य। बाकी सभी बेटा टू मल्टीप्लाई, वेरी गुड, टू मल्टीप्लाई, आफ्टर मल्टीप्लाई यू विल गेट 2640। दिस इज द इंटरेस्ट, हमें क्या निकालना था, अमाउंट, कैसे निकालेंगे अमाउंट, पैसा कितना लिया था, 6000, इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, 2640, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना मिलेगा, 8640, दिस इज द फाइनल आंसर। बताएंगे सभी, क्लियर है सभी को, हाँ जी बेटा सभी बच्चों को समझ में आया, इजी क्वेश्चन है, हाँ जी बेटा इजी है बेटा, फोकस ऑन द बोर्ड, मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, मुझे बताना क्या आंसर होगा। मानो मैंने किसी से 100 रुपये उधार लिए, एक साल के बाद मुझे उसको रुपए देने हैं वापस 120, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, क्लियर है, गॉट इट, मेरे पास कुछ पैसे हैं प्लस मैंने उसको एक वॉच दे दी, मेरे पास जो पैसे हैं वो कितने हैं, 80 रुपीज़, तो मुझे बताओ उस वॉच की कीमत कितनी होगी। बेटा दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, मेरे पास 100 रुपये हैं, मुझे किसी को 120 रुपये वापस देने हैं,
लेकिन मेरे पास 120 रुपये नहीं है, मेरे पास ओनली 80 रुपीज़ है। मैंने 80 रुपीज़ के साथ साथ उसको एक वॉच दे दी, तो उस वॉच की कीमत कितनी होगी? हाँ जी बेटा, ट्राई टू आंसर, वेरी गुड वेरी गुड, ट्राई टू आंसर। वो वॉच कितने रुपए की होगी? मैं 80 में क्या ऐड करूं ताकि 120 बन जाए? वेरी गुड, मेरी वॉच कितने रुपीज़ की थी? 40 रुपीज़ की, क्योंकि 80 प्लस 40 कितना बन जाएगा? 120। क्लियर है? गॉट इट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के जैसा है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, फोकस ऑन द बोर्ड। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन में गिवन है, रीड क्वेश्चन 13। कोई हरी है, हरी ने बेटा क्या किया, 12,600 रुपीज़ किसी से लिए, कितने रेट पे? रेट था 15%, 15%। आफ्टर 3 ईयर्स, कितने साल के बाद? 3 साल के बाद हरी ने क्या किया, उसको कितने रुपीज़ वापस दिए? 7,700। साथ में क्या दिए? एक गोट, एक बकरी दी, ताकि उसके सारे पैसे क्या हो जाएं, वो चुकाते सारे पैसे। तो हमको ये बताना है गोट की कीमत क्या होगी। तो बेटा सबसे पहले हम निकालेंगे हमारा इंटरेस्ट, कि हमने उसको ब्याज कितना देना है। हमने कितने पैसे यूज़ किए? 12,600। हमारा रेट कितना था? 15 रुपये। टाइम कितना था? 3 साल। अपॉन 100, PRT बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 126 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 3। सभी बच्चे बताएंगे व्हाट इज द मल्टीप्लाई, डू इट, ट्राई करो सभी, डू द मल्टीप्लाई। 126 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 3, ट्राई करो सभी, वेरी गुड, कीप ट्राइंग। 126 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 3, हाउ मच? वेरी गुड कुणाल, बाकी बेटा, वेरी गुड कुणाल, वेरी गुड, यश गोयल वेरी गुड, दीपक गोयल वेरी गुड, नेहा वेरी गुड। आई थिंक आप सभी का आंसर आ रहे हैं, डेट आंसर इज व्हाट? 5,670। हमको इतने पैसे एक्स्ट्रा देने हैं। अब हम निकालेंगे अमाउंट, हमको कितने पैसे देने हैं। हमने कितने पैसे यूज़ किए? 12,600। कितने पैसे एक्स्ट्रा देने हैं? 5,670। सभी बच्चे ऐड करेंगे, टेल मी द आंसर, हमको कितने पैसे वापस देने हैं, बताओ सभी। सभी बच्चे ऐड करेंगे, हाउ मच रुपीस, हाउ मेनी रुपीस, डू ऐड, वेरी गुड वेरी गुड, स्टार्ट एडिंग, वेरी गुड स्टार्ट एडिंग, यस वेरी गुड, हाँ जी बेटा वेरी गुड। क्या सभी का मैच हो रहे हैं, चेक करो, 18,270, 18,270, 18,270। क्लियर है? गॉट इट। ये हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, पहला हिस्सा था। अब सुनो सभी, सेकंड हिस्सा क्या है, उसको जो ये पैसे देने हैं, उसको ये पैसे दो हिस्सों में देने हैं। कैसे देने हैं? कुछ तो उसको कैश देना है, प्लस कुछ उसको क्या देनी है? गोट। क्लियर है? कैश प्लस गोट कितनी होनी चाहिए टोटल अमाउंट? 18,270। ध्यान दो सभी, उसने कैश कितना दिया? 7,070 प्लस गोट इक्वल्स टू रुपीज 18,270। यहाँ से गोट की वैल्यू रुपीज 18,270, ये किसका है? प्लस, ईशर आगे, माइनस 7,070। सभी बच्चे माइनस करेंगे एंड टेल मी द आंसर, डू माइनस,
वेरी गुड, डू माइनस, वो गोट कितने पैसे की थी, डू माइनस एंड टेल मी द आंसर। वेरी गुड, हाँ जी बेटा, वेरी गुड, डू माइनस, द आंसर विल बी 11,200, द आंसर विल बी 11,200, दिस इज द फाइनल आंसर। बताएंगे सभी, क्लियर है? हाँ जी बेटा, गॉट इट ऑल, 11,200। रीड क्वेश्चन 14, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 years, टाइम की वैल्यू कितनी है बेटा, 3 साल, 3 years, रेट कितना है, 10% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, हमको गिवन है साई ₹8,29.50, हमको बताना है फाइंड द सम, मतलब प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है, अपना हमने कितना पैसा उधार लिया, हमको ये बताना है। गॉट इट ऑल, क्वेश्चन क्लियर है? वेरी इजी, जस्ट पुट द फॉर्मूला, SI की वैल्यू 829.50 इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 100, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट, नीचे क्या आ गई, 20, नीचे वाला 100 ऊपर जाएगा, ऊपर वाला 10 नीचे आएगा, ऊपर वाला 3 नीचे आएगा, यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, P। क्लियर है? 20 से 20 कट, 0 से 0 कट, सभी बच्चे डिवाइड करेंगे इसको 3 से एंड टेल मी द आंसर। All student divide this by 3. 8295 divide करो 3 से, बताओ कितना आ रहा है, डू डिवाइड। वेरी गुड, डू डिवाइड 8295 डिवाइड करो 3 से, हाउ मच, बेटा डू डिवाइड, वेरी गुड, डोंट यूज कैलकुलेटर, अपने हाथ से करो, डोंट यूज कैलकुलेटर, द आंसर विल बी 2765, दैट मीन्स 2765। क्लियर है क्वेश्चन? हाँ जी बेटा, क्लियर है क्वेश्चन? बेटा स्टार्ट रेटिंग क्वेश्चन 15, क्या बोल रहे हैं हमको क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं। A sum when reckoned at how much percent? हमने कितने पे पैसा लिया, 7/1/2%, चेंज करते हैं, 7 2 14, 14+1 15, मतलब हमने हमारा पैसा किस रेट पे लिया, 15/2%, वो पैसा कितना बन गया, ध्यान दो सभी, हमें गिवन है अमाउंट, कितना गिवन है, ₹3920, कितने साल में दिया, टाइम इक्वल्स टू 3 years, हमको क्या बताना है, फाइंड द सम, सम मतलब प्रिंसिपल। बेटा क्वेश्चन में गिवन है कि हमने जो पैसा लिया था वो पैसा इतना बन गया इतने रेट पे और इतने टाइम पे, तो हमें क्या बताना है कि हमने कितना पैसा उधार लिया, बताओ सभी, क्वेश्चन की हिंदी क्लियर है? हाँ जी बेटा, क्वेश्चन की हिंदी क्लियर है? फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूँ, बताओ सभी। क्या सभी बच्चों को क्वेश्चन की हिंदी क्लियर है? बेटा क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि हमने कुछ पैसे उधार लिए, वो पैसे उधार लिए वो कितने बन गए, 3920, किस रेट पे, 15/2%,
टाइम कितना था? 3 साल। तो हमको ये बताना है हमने कितने पैसे उधार लिए। तो हम क्या करेंगे बेटा, ध्यान दो सभी, मैंने मान लिया मैंने कितने पैसे उधार लिए, डेट इज रुपीज एक्स। क्लियर है? हमें पता है अमाउंट की वैल्यू किसके बराबर होती है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। हमारा अमाउंट कितना है, ध्यान दो सभी, 3920। प्रिंसिपल कितना है, एक्स। इंटरेस्ट हमें पता नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये किसका है, प्लस, इसे हटाके माइनस, 3920 माइनस एक्स, दिस इज व्हाट, इंटरेस्ट। क्लियर है यहां तक? दिस इज द फर्स्ट पार्ट। क्लियर है क्वेश्चन का पहला हिस्सा? क्लियर है? जिसके अंदर हमने निकाला इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट के बिना हमारा क्वेश्चन अधूरा है, हमें इंटरेस्ट चाहिए ही चाहिए। क्लियर है बेटा? बिल्कुल स्टेप वाइज करवा रहा हूं, स्टेप वाइज ध्यान से समझो, ध्यान से, स्टेप वाइज, ठीक है? वेरी गुड, नाउ फोकस। हमें पता है SI का फॉर्मूला क्या होता है, SI इक्वल्स टू PRT डिवाइड बाय 100। SI की वैल्यू कितनी है, दैट इज 3920 माइनस एक्स इक्वल्स टू प्रिंसिपल। क्या माना था, प्रिंसिपल एक्स डाल दिया, रेट कितना था, 15/2 डाल दिया, टाइम कितना था, 3 साल, डिवाइडेड बाय 100। बताओ सभी, ये क्लियर है यहां तक? हाँ जी बेटा, यहां तक क्लियर है क्या सभी बच्चों को? यहां तक क्लियर है? हमने जस्ट वैल्यूज पुट की हैं, SI की वैल्यू डाल दी, P की डाल दी, R की डाल दी, T की डाल दी, अपॉन 100। क्लियर है यहां तक? गॉट इट ऑल? नाउ स्टार्ट कटिंग, काटना स्टार्ट करो। काटे कैसे, 5 3 जा, क्लियर है, 5 2 जा, क्लियर है? क्या बचेगा, 3920 माइनस एक्स इक्वल्स टू 3 3 जा 9, 9 के साथ एक्स, दैट इज 9x, 22 जा 40। क्लियर है यहां तक? बताएं सभी, क्या यहां तक क्लियर सभी को? हाँ जी बेटा, क्या सभी को यहां तक क्लियर है? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट बेटा क्या करेंगे, एक्स वाले एक तरफ, नंबर एक तरफ। ध्यान दो सभी, एक्स वाले एक तरफ, नंबर एक तरफ, इसको ये रखो 3920 एज इट इज। ये किसका है, माइनस, उधर जाके प्लस, एक्स किसका हो गया, प्लस का प्लस, हाउ मच, 9x/40। क्लियर है? वी विल टेक LCM, LCM कितना आएगा इसका, हाउ मच, 40, ऊपर क्या आ जाएगा, 40x प्लस 41 जा 40, 9 1 जा 9, 3920 इक्वल्स टू 40 प्लस 9, 49x/40। क्लियर है? नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ जाएगा, नीचे। वी विल कट, कट करने के बाद हमें मिल जाएगा हमारा एक्स, दिस विल बी द आंसर। बताओ सभी, क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था बेटा, लेंथी क्वेश्चन था, प्रैक्टिस करोगे 2 बार तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? गॉट इट? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करोगे उसके बाद क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? व्हेन यू विल कट, आपका आंसर आएगा 3200, ठीक है? आपको क्वेश्चन ट्राई करना है, ट्राई करने के बाद आपका आंसर जरूर आएगा, ठीक है? ध्यान दो सभी, मैं एक बार पूरे क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ठीक है? जस्ट फोकस अगेन।
हमको क्वेश्चन में सबसे पहले निकालना होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। हमने प्रिंसिपल को क्या मान लिया? एक्स पुट कर दिया, ये हमारा आ गया इंटरेस्ट। हमको पता है ऐसा ही क्या होता है, पी आर टी बाई 100। ऐसा की वैल्यू डाल दी, पी की वैल्यू, आर की वैल्यू, टाइम की वैल्यू अपॉन 100। हमने किया कट, 5 3 5 2 क्लियर है, 3 3 9 9 into x 9x 22 40 क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप, x वाले एक तरफ, नंबर एक तरफ, सोल्व किया, हमारा आंसर आया 3200। सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल। क्लियर है? हाँ जी बेटा, गोट इट ऑल? क्या सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 क्लियर है? हाँ जी बेटा, गोट इट ऑल?